मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किसान कर्ज माफी के मामले में कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार ने किसानों के साथ कर्ज माफी के नाम पर धोखा किया है, जिसके लिए उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही कहा कि कांग्रेस को सोशल मीडिया, वर्चुअल रैली और सीडी के जरिए दुष्प्रचार करना बंद कर जमीन पर उतरकर काम करना चाहिए। इसके अलावा मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कमलनाथ सरकार में आपदा के समय मुख्यमंत्री और मंत्री किसानों का दर्द तक नहीं बांटते थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी किसानों के साथ खेतों में खराब हुई फसलों का जायजा ले रहे हैं, इसलिए कांग्रेस छल कपट की राजनीति बंद करे। माननीय कमलनाथ जी ने जो कर्ज माफी की सीडी जारी की है, ये किसानों के साथ धोखा है। इन्होंने किसानों का कोई कर्ज माफ नहीं किया। राहुल गांधी जब भोपाल आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर 2 लाख तक का कर्ज 10 दिन में माफ नहीं हुआ तो वो मुख्यमंत्री को बदल देंगे। 2 लाख के कर्ज के हिसाब से मध्य प्रदेश में किसानों का 48,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ होना था, परंतु सरकार ने ऋण माफी के नाम पर किसानों के साथ मजाक किया। कभी नीले फॉर्म भरवाए, कभी पीले फॉर्म भरवाए, और बदले में जो छोटे छोटे ऋण थे, किसी का 13 रुपए, किसी का 15 रुपए, किसी का 20 रुपए, किसी का 500, 1,000, ऐसे छोटे छोटे ऋण बैंकों को निर्देश दिए, कोऑपरेटिव बैंकों को, कि ये ऋण माफ कर दिए जाते। ना बैंकों को पैसा दिया, ना किसानों का कर्ज माफ हुआ, और किसानों के नाम पर धोखा देकर कांग्रेस ने सरकार बनाई और उसका किसान अब उपचुनाव में बदला लेंगे। माननीय कमलनाथ जी से ये आग्रह है कि कांग्रेस पार्टी वर्चुअल रैली, सोशल मीडिया, सीडी, इससे निकलकर मैदान में आए, जमीन पर आए। ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार का काम कांग्रेस कर रही है, इससे जनता का मन नहीं जीत सकते। किसानों की सरकार आज माननीय स्वराज सिंह जी, अगर किसानों का सोयाबीन खराब हुआ है तो सुबह से किसानों के खेत में खड़े हैं। माननीय कमलनाथ जी तो कभी वल्लभ भवन से बाहर ही नहीं निकलते थे। किसानों को पिछले समय, कांग्रेस के समय जब आपदा आई थी, एक भी मंत्री, मुख्यमंत्री कोई किसानों के दुख में शामिल नहीं हुआ, किसानों के खेत में नहीं पहुंचा। आज सरकार किसानों के साथ खड़ी है, किसानों की मदद कर रही है, और इसलिए कांग्रेस से आग्रह है कि छल कपट की राजनीति बंद करें और जो किसानों के साथ धोखा किया है उसके लिए किसानों से माफी मांगें और इसका बदला किसान उपचुनाव में चुकाएंगे।